राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल जोधपुर में मरुगढ़ में किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरसीए अध्यक्ष वैभवजी गहलोत रहेंगे और साथ ही में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर महोदय और कमिश्नर रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, इस कार्यशाला का उद्देश्य यह है कि जहाँ पर हम सुनने को आती है वहाँ पर बाल आयोग पहुँचता है। मैं स्वयं पहुँचती हूँ और जब उसकी पूरी जानकारी हम लेते हैं तो कई बार पड़ोसी के द्वारा, दूर के रिश्तेदार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि कई ऐसी बच्चियाँ हमारे सामने निकल कर आई जो गर्भवती हो गई, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, जो स्वयं एक बच्ची है। तब बाल आयोग ने बैठ कर फुल कमीशन में तय किया कि इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए, किस तरह से पॉक्सो एक्ट क्या है इसकी जानकारी लोगों तक पहुंच सके, और यदि बच्ची जो ग्रामीण परिवेश की है, स्कूल से आते वक्त उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम होता है तो वो अक्सर माता पिता को बताने में घबराती, ये सोचकर कि मेरा स्कूल आना बंद हो जाएगा। बच्चियों से मैंने खुद उनकी आपबीती पूछी, तो इसको देखते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, पुलिस को वो बता सकते हैं, बाल आयोग को बता सकते हैं, और वो क्या क्या एजेंसीज हैं जो इस पर काम करती है और बच्चों की बात गुप्त रखी जाती है, उसको लेकर बच्चों को जागरूक किया जाएगा। दिन भर की ये कार्यशाला है, विभिन्न स्कूलों की और विभिन्न विभिन्न जगहों से ये बच्चियाँ हमारे साथ सम्मिलित होंगी, लगभग 300 के आंकड़े बच्चियों के होंगे, और फिर इसी स्तर पर ग्राम स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, और लगभग प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक शनिवार को बाल सभा वाले दिन, नो ब्लैक डे वाले दिन पाबंद किया जाए। शिक्षा मंत्री जी से भी हम कहेंगे, सहायक निदेशक से भी हम कहेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से भी कि पाबंद किया जाए कि प्रत्येक स्कूल में कोमल फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से गुड टच बैड टच की जानकारी दी जाए, अभिभावकों को सामाजिक चेतना लाई जाए, ताकि कहीं ना कहीं हम राजस्थान में दुष्कर्म का आंकड़े को किसी तरह अंकुश लगा सकें।